नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी और एक बार फिर से हम मौजूद हैं आपके साथ। बात करेंगे उन तमाम समस्याओं पर जो आप लोगों के साथ फिलहाल चल रही हैं और बात ही अंकों के गेम के बारे में भी करेंगे। किस्मत कनेक्शन में एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है और एक बार फिर से हमारे साथ हर रोज की तरह मौजूद हैं रंजना जी, जो कि टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं और साथ ही उन तमाम बातों के बारे में बातें करती हैं। रंजना जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आज क्या कुछ खास आप बताने जा रही हैं, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि आप पिरामिड लेकर आए हैं और शायद उससे कुछ मैसेज जरूर देना चाहते हैं। देखिए, पिरामिड जो होता है ये जितने भी ज्यादा हमारे घर में जैसे नेगेटिव एनर्जी है या वास्तु दोष है, जिस हिसाब से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें हम लोग पिरामिड यूज करते हैं। पिरामिड का मतलब है पायरामिड, मतलब एनर्जी जो कि अंदर हो। जितने शुरू से हम लोग देखते आए हैं कि जैसे कि जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्चेस हैं, सबके ऊपर एक पिरामिड ही बना होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी ऊर्जा होती है, ये ऊपर से एटमॉस्फेयर से ऊर्जा लेते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं एंड जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको कम्प्लीटली ये ग्राउंड कर देता है। इससे पिरामिड इज वेरी वेरी यूजफुल। और हम लोग कहते हैं कि जैसे बच्चों के टेबल के ऊपर भी अगर आप पिरामिड रखेंगे तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर अपने बेड के साइड में रखेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। कहीं पे भी आपके घर में अगर कोई भी तरह का वास्तु दोष है, उसमें अगर हम पिरामिड यूज करेंगे तो उससे बहुत ही ज्यादा हमको फायदा मिलेगा। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हम नमस्कार भी करते हैं, वो भी एक पिरामिड शेप ही होता है, जिससे कि हम ऊर्जा लेते हैं और दूसरे जने को हम वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। और इसी हिसाब से हम देखते हैं कि जब हम मेडिटेशन पोज में भी बैठते हैं इस तरह, तब भी हम एक पिरामिड शेप में ही बैठते हैं। और वो पिरामिड में जैसे कि हम एक माउंटेन में जाके बैठते हैं या कोई पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ भी जो है एक पिरामिड शेप ही है। उसमें अगर हम जाकर मेडिटेटिव पोज में जाके बैठते हैं, वहां पर हमको ऊर्जा बहुत ही ज्यादा अधिक मिलती है और हमको जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज हैं वो खत्म होती हैं। इसीलिए हम देखते हैं जितने भी ऋषि मुनि थे वो हमेशा पहाड़ों में जाके ही अपनी जितनी भी तपस्या होती थी वो वहीं पे करते थे। इसीलिए पिरामिड बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। ये पिरामिडोलॉजी बहुत ग्रेट साइंस है और हमारी बहुत ही सालों से शुरू से ही ये हमारे लिए चलती आ रही है। इसको इस बारे में मैं आगे बात करूं, इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजना जी, परविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। परविंदर, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए आप क्या पूछना चाहती हैं। हाँ जी सर, मैं ना हमारे घर में बहुत परेशानी रहती है। मेरा पति ना अबू धाबी दुबई में है, तो 6 महीने से उन्होंने काम बंद है, तो कमाई कोई बरकत भी ना हो, वापस ही आने दे रहे थे ना, कोई काम ही चल रहा, परेशानी बहुत ज्यादा। आप उनका नाम बता दीजिए परविंदर जी, आप नाम बता दीजिए और उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। कश्मीर सिंह नाम है। कश्मीर सिंह जी, और 10/11/1973 का जन्म जी। 10/11/1973, ठीक है। देखिए आप परविंदर जी, आप इतना ज्यादा आप परेशान मत होइए, हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं कि 2 रोटी गुड़ और काले तिल डालकर रोज आप गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए और हो सके तो रोज आप जपजी साहब का पाठ करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि 15-20 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी जो जिससे कि या तो वो यहाँ आ जाएंगे, नहीं तो उनको कोई ना कोई वहाँ काम मिल जाएगा। इससे आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये जो छोटा सा उपाय हमने आपको बताया है ये आप करना शुरू कीजिए, आपको जरूर इससे कोई ना कोई रास्ता मिलेगा जी। और बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी परमिंदर जी। और हम चाहेंगे कि क्या ज्यादातर लोग रंजना जी हमारे साथ इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि शायद उनको कहीं ना कहीं इस चीजों का ज्ञान नहीं होता कि जो नंबर्स हैं वो नंबर्स कहाँ दिख रहे हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो नंबर्स हैं वो आपको ऊपर दिख जाएंगे टीवी स्क्रीन पर और साथ ही उन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। 3 नंबर हैं अलग अलग, उन पर आप कॉल कर लें जिससे कि आप हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। पिरामिड के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, ये रखना कहाँ चाहिए और इससे क्या इसके साइज से कोई फर्क पड़ता है। देखिए, पिरामिड हम कहीं पे भी रख सकते हैं, उससे हमको डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ही और साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी आप सक्षम है आप ले सकते हैं। और पिरामिड बहुत तरीके के होते हैं, शीशे के होते हैं, पायरा के होते हैं, क्रिस्टल्स जिसको हम बोलते हैं, हमको पीतल के भी मिलते हैं, पत्थर के भी मिलते हैं।
जिस तरह का भी आप पिरामिड चाहे आप रख सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, और कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं, इससे बहुत लाभ होगा। एंड स्पेशली जैसे अगर आप आपके ऑफिस में हैं, ऑफिस में रख सकते हैं। कई बार लोगों के वास्तु दोष होता है, जिनका टॉयलेट ठीक जगह नहीं होता, या नॉर्थ ईस्ट में होता है या साउथ वेस्ट में होता है, तो वहां पे हम लोग पिरामिड्स रखवाते हैं ताकि जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाए और वहाँ एक पॉजिटिव ऊर्जा का स्रोत बने और इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा मिले। बिल्कुल। मानसिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगले दर्शक। मानसिंह जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ मानसिंह जी बोलिए। जी से पूछना था कैसे चल रहा है। जी क्या पूछना चाहते हैं आप। इसमें को केस क्या भी है, जमीन जायदाद के बारे में कब तक फैसला आ जाएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मानसिंह जी आप। जी वो 2 साल का जन्म बता रहे हैं। जी आपको आपको आप जन्म तिथि नहीं पता है। चलिए मानसिंह 63 साल की उम्र हो गई। मानसिंह जी हमने जैसे दिखाई दे रहे हैं आपके जो कार्ड आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, और ये लग रहा है कि बहुत जल्दी आपका जो ये प्रॉपर्टी का मैटर है ये बहुत जल्दी ठीक होगा। इसमें हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं कि हर मंगलवार वाले दिन आप जरूर हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कीजिए, और मंगलवार वाले दिन कोई ना कोई औषधि का भी दान कीजिए। इससे बहुत ही ज्यादा जो आपकी टेंशन है, परेशानी है, वो खत्म हो जाएंगी। घबराइए मत इतना, ये हम आपके कार्ड जो है, आपकी दिक्कत काफी दिन से चल रही है ये भी दिखाई दे रहा है, और ये जो भी फैसला होगा वो आपके हक में होगा, आप घबराएं मत। चलिए बेहद शुक्रिया मानसिक जी आप हमारे साथ जुड़े। सुप्रीत जी अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रीत जी सुन रहे हैं आप, स्वागत है। सुप्रीत जी जी नमस्कार, पूछिए आप क्या पूछना चाहती है। सर मैं प्लस वन की पढ़ रही हूँ, मैं पूछना अपने बारे कैरियर पूछना चाहती हूँ। जी जी पूछिए। 3/3/2001। जी दोबारा दोहराइए। 6 मार्च 6 मार्च 2001। 2001 जी क्या पूछना चाहते हैं आप इनके बारे में। सर मैं प्लस वन की पढ़ रही हूँ, मैं कमर्स रखी है, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी केरी जॉब लग गई है। जी ठीक है। देखिए अब 2001 तो छोटी है, तो अभी तो 2001 में अभी तो थोड़ा समय लगेगा आपकी जॉब के लिए। अभी आप जो भी है अपना पढ़ाई में मन लगाएं, और एक बार ये आपका जो कार्य खत्म हो जाएगा, आपका जो पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद जॉब लगने में आपको कोई भी दिक्कत में आने वाली नहीं है, और आपका जो करियर है और आपका जो टैलेंट है उस हिसाब से आपको अच्छी जॉब मिलेगी, और उसमें आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी रहेंगी। अभी जो है अपना जितना भी समय है अपने पढ़ाई में आप लगाएं। चलिए बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और मैं चाहूंगा अपने दर्शकों से, क्योंकि हम ठीक से बात नहीं कर पाते, तो जब भी आप हमसे बात करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लें। रंजना जी एक ब्रेक का यहाँ पर समय हो रहा है, और एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकने जा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े। हम टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चला रहे हैं, आप देख रहे होंगे ऊपर की साइड, और उन नंबरों पर कॉल करके आप हमसे और जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हमें नंबर गेम के बारे में बात करना है रंजना जी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।